रही है और काफी कुछ देखने को मिल रहा है। लोगों को शायद ऑक्सीजन सिलेंडर का तभी पता चलता था जिसको जो उसको इस्तेमाल करता था, लेकिन अब कुछ ऐसे नए शब्द सामने आ रहे हैं। खासकर ऑक्सीजन सिलेंडर तो शायद सभी लोग जानते होंगे, लेकिन ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर ये भी शब्द बहुत ज़्यादा अब आम हो गया है, क्योंकि लोगों को सांस की दिक्कत बहुत आ रही है। राजधानी दिल्ली की बात करें या देश के विभिन्न जगहों की बात करें, लोगों को जो दिक्कत है वो ऑक्सीजन की ही सामने आ रही है। ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर में क्या अंतर है, ये जानने के लिए हमारे साथ ग्रेशन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ICU जो कोविड वार्ड है वहाँ की इंचार्ज डॉक्टर प्रीति शर्मा हमारे साथ मौजूद है। मैम, सांस की तकलीफ कोविड पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा होती है, कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर तो शायद सभी को पता होगा, लेकिन ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में बताएं। हाँ जी, आजकल की जो ये सेकेंड वेव है इसमें ऐसा हुआ है कि हमें बहुत से मरीज हैं जो कि हमारे वार्ड में हॉस्पिटल में और सभी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। अभी इसमें ऐसा है कि कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको सिर्फ 1-2 लीटर की रिक्वायरमेंट है, तो उनको हम कह भी देते हैं कि घर पे मैनेज कर लें ताकि और पेशेंट्स के लिए बेड बन पाएँ जिनको बहुत बहुत 15-15 लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ऐसे में दो ऑप्शंस हमारे सामने आती हैं, एक तो है ऑक्सीजन सिलेंडर और एक है ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर। ऑक्सीजन सिलेंडर्स तो आप सबको पता ही है, बड़े और छोटे दो तरह के सिलेंडर्स आते हैं जिनके साथ आप 2 मीटर कनेक्ट करते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो कुछ दिन का उसमें रहता है कि आपको बारी बारी रीफिलिंग करनी पड़ती है सिलेंडर्स को, और इतनी शॉर्टेज आज की डेट में हो रही है कि सिलेंडर्स मिलने मुश्किल हो रहे हैं। अब इसमें दूसरी ऑप्शन जो है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ये एक बड़ी मशीन होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो इसको आप प्लग इन करते हैं और इसके साथ जो लेवल्स है फ्लो मीटर अटैच करते हैं, तो उसमें 1-2 लीटर 4-5-6 लीटर तक भी आप बड़े आराम से घर पे पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो इसमें आपको सप्लाई की ऐसी ज़रूरत नहीं है ऑक्सीजन की। कंसंट्रेटर मशीन ही इस तरीके से बनी है कि आपको कनेक्ट करना है, सिर्फ एक प्लग इन करना है इलेक्ट्रिसिटी के साथ। आपको फ्लो मीटर होता है जिसके साथ हम कनेक्ट करके पेशेंट को नेजल ब्रॉन्क्स पे लगाते हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं। तो इसके थ्रू आप पेशेंट को 24 आवर्स भी अगर ऑक्सीजन देंगे तो हमारे को ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने वाली है कोई। तो मशीन का मैकेनिक्स ही इस तरह से बना है कि आपको उससे डायरेक्टली कनेक्ट करके आपको कंसंट्रेट करके आपको उतनी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाएगी ताकि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन हो। तो हमें बस कई बार ये होता है कि जिसके घर में इलेक्ट्रिसिटी का दिक्कत हो या कई बार होता है कि लोगों के पावर कट्स होते हैं, तो वहाँ हमें पूछना पड़ता है कि वैसा कोई इशू ना हो। तो वरना ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो जाती है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा के आप फ्लो मीटर लगा के पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो इट इज़ बेसिकली थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है। जो ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर है, कौन से मरीज पहले इस्तेमाल करते थे? देखिए, पहले हमारे पास कुछ फेफड़ों की बीमारियाँ होती थी, जैसे जिसको हम COPD कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो कि स्मोकिंग के बाद लंग्स इफेक्टेड होती हैं। तो इन लोगों की सैचुरेशन ग्रेजुअली ओवर द टाइम गिरने लग जाती हैं, तो इनको ज़रूरत पड़ती है कि घर पे हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पे भेजना पड़ता था। या फिर इंटरस्टीशियल लंग डिजीज होती है जिसमें लंग्स सिकुड़ जाती हैं, तो ये दो तरह की फाइब्रोसिस कहते हैं जिसको, या जो भी बीमारियाँ हैं, इन दो तरह की ज़्यादातर फेफड़ों की बीमारियों में हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की ज़रूरत पड़ती थी और हम पेशेंट को घर पे भेजते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में महीना भी हो गया तब भी पेशेंट की ऑक्सीजन नीचे नहीं आएगी। तो उसके ऊपर फिर जब 1-2 लीटर 3 लीटर रह जाती है तो हम पेशेंट को कह देते हैं कि आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे घर ले जाएं। या फिर कई बार कैंसर के पेशेंट्स होते हैं जिनकी अगेन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हो सकती या उतनी उनकी रह ही जाएगी कि इतनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, तो इन सारे पेशेंट की कैटेगरीज को हम पहले भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पे ही घर भेजते थे ताकि उनका बारी बारी उनको सिलेंडर्स घर में ना पड़े, भरवाने ना पड़े। तो एक बार कंसंट्रेटर लेंगे तो उसके साथ बस 1 किलोमीटर चाहिए जिसके साथ वो कोऑर्डिनेट करते रहेंगे, और 2-4 लीटर 6 लीटर इवन 7 लीटर तक आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें तो बिहार फिलहाल में हमने देखा कि रिफिल करने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं बची है। ऐसे में अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात करें, इसकी क्या कीमत रहती है और क्या ये इजीली अवेलेबल है, इतनी अवेलेबिलिटी है भारत के पास? देखिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पहले तो किराए पे भी लोग लेते थे, मशीन है तो थोड़ी महंगी, ऑलमोस्ट 40-50 हज़ार की मशीन आती है। तो कुछ लोग क्या करते थे कि हमें जैसे 5 हज़ार रेंटल किराए पे 1 महीने के किराए पे मिल जाती थी। तो ये कि अब इसकी डिमांड एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ी है, कंपनीज़ हैं जिन्होंने, काफ़ी कंपनीज हैं जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग रहती है, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की ऑलमोस्ट काफ़ी यूज़ हो जाएगा और इतनी अवेलेबिलिटी तो होगी क्योंकि पहले कम यूज़ हो रहा था बट अब बढ़ गया है। बट होपफुली काफ़ी, मतलब 1-2 कंपनी नहीं है, काफ़ी कंपनीज हैं जो कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स रखती हैं, तो काफ़ी तदार तक तो वो दे पाएंगे, बाकी कुछ कह नहीं सकते आगे। मैम, दोनों का काम सेम है तो कौन से पेशेंट्स को ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया जा सकता है और कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको सिर्फ सिलेंडर से ही वो जो है रह सकता है?
देखिए वैसे क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई में दोनों में कोई भी इशू नहीं है, अगर पेशेंट अफोर्डेबल है, मशीन खरीद सकता है या फिर रेंट पे ले सकता है, उसमें हो जाता है क्योंकि सिलेंडर पेशेंट को सस्ता पड़ता है। बट फाइनली ये होता है कि वो बारी बारी भरवाना पड़ेगा, तो उतने में ऑक्सीजन है भी है भरवाने के लिए या नहीं, या फिर वो कितनी बार भरना पड़ेगा, हर 24 घंटे में चेंज करेगा, तो उसके ऊपर है कि अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम ही चल रही है, 1-2 लीटर ही चल रही है, तो कई लोग उसमें सिलेंडर ले सकते हैं। बट अगर थोड़ा सा ज़्यादा है ऑक्सीजन और आपको लग रहा है कि 24 घंटे में हमारा सिलेंडर खत्म हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इज़ अ बेटर ऑप्शन, ताकि आपको बारी बारी ये रिफिलिंग भी करानी पड़ेगी और कॉस्ट का ऑप्शन भी क्योंकि उतना पूरा हो जाता है, क्योंकि बारी बारी आपको रोज़ की रोज़ सिलेंडर भरवाना पड़ेगा।